अच्छा मुझे एक बात बताएं, थोड़ा सा ये ब्रीफ करते हैं कि काम वो कौन से मार्केट का कर रहे हैं, सर मैं यूएस पे कर रहा हूँ, काम कितने टाइम से कर रहे हैं। 3 साल से कर रहा अच्छा 3 साल से कर रहे जी। हैं। और दूसरा मुझे बताएं कौन सा मॉड्यूल कर रहे हैं। मैं होलसेल एमबीए कर रहा एफ बी ए कर रहे हैं। जी चले सर, एफ बी ए या एफ बी ए में वो तो जी सर कोई वो मसला तो नहीं है, जी ठीक है सर सेम ही आता है। तो होलसेल में कौन से ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं, लाइक हैवी नॉर्मल ब्रांड्स के साथ कर रहे हैं, रिसेलर के साथ कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कर रहे हैं, किसी वेंडर के साथ कर रहे हैं। जी सर ये तो जो है ना बेसिकली क्लाइंट जो उसका जो डिमांड होता है उसे रिलेटेड करते हैं। मतलब जो कोई क्लाइंट आते हैं कि वो कहते हैं कि हमने ब्रांड के साथ जाना है, ठीक कोई है ठीक कहता है कि हमने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जाना है। है जी सर तो और उसमें ये देखते हैं कि मतलब ब्रांड का जो प्रोडक्ट है उसमें प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट मार्जिन को भी देखते हैं। ठीक है जी सर और बेसिकली ये होता है कि ब्रांड का जो MOQ होता है वो हाई होता है, इसलिए जो है ना हम डिस्ट्रीब्यूटर वाले के साइड पे आ जाते हैं फर्स्ट टाइम जो ठीक लिस्टिंग है करते ठीक हैं। है। तो डिस्ट्रीब्यूटर की इनवाइस अमेज़न एक्सेप्ट करते हैं। सर वो जो है ना वो उसकी ऑथेंटिकेशन होती है कि मतलब आया ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये ब्रांड से ऑथेंटिक है या नहीं है। ठीक है ठीक जी सर मेन चीज में इसमें ये होता है, एक कभी कभी इस तरह होता है कि मतलब कोई डिस्ट्रीब्यूटर है वो कहता है आपको कि मेरा इनवॉइस एक्सेप्टेबल है, फिर बाद में वो एक्सेप्ट नहीं होता, हाँ तो सही है इस ठीक इसकी जो है ना क्लियरेंस फर्स्ट करनी चाहिए। है। जी तो वो सर हम फिर कैसे करेंगे। सर तो उसके साथ पहले तो उसकी जो है ना डिटेल वो whois.com पे, स्कैम एडवाइजर पे चेक करना चाहिए, ट्रस्ट पायलट पे चेक करना चाहिए क्या ये ट्रस्टेबल है या नहीं है। उसकी इनवाइस जो है ना फर्स्ट तो हमें ये चाहिए कि उसके उससे ना कॉल पे उससे बात हो जाए कि आया इसके उनसे पूछे कि आया आपका इनवाइस जो है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, तो ठीक है देन उसके साथ जाना चाहिए। चलें। एक तो ये होता है ना कि आपने अनगेट करने के लिए वो तो मोस्टली इनवाइसेस चल जाती जी हैं, सर लेकिन अगर कोई इशू आता है तो फिर अमेजोन क्या कहता है कि आप हमें ब्रांड अप्रूवल भी दो प्लस आप कमर्शियल इनवाइस भी हमें दो उसकी, तो वो थोड़ा सा इशू करती है। दूसरा कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, काम कौन सी कैटेगरी में आप करते हो, सर होम एंड किचन मोस्टली करते हैं। वो ज़्यादा करते हैं। जी सर अच्छा आरओआई आरओआई तो नॉर्मली। मिनिमम सर जिस तरह हमारी बात हुई थी वो मिनिमम जो है ना 50+ होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी सर ये 50+ की मुझे समझ नहीं आई ना, क्योंकि मैं इतना अरसे से काम कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, मुझे तो आज तक 50 मिला नहीं है। जी सर वो डिपेंड करता है ना बंदे पे, डिपेंड करता है बंदे के पास किस किस किस्म के प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास तो ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जिसके आरओआई 100 है, 150 है। जी अच्छा सर तो ये तो बहुत ज्यादा जी सर बस मेहनत मेहनत की बात है। ठीक है। जी सर अच्छा वो टूल्स यूज करते हैं। जी सर कीपर यूज करते हैं मोस्टली, विदाउट कीपर नॉट हाँ पॉसिबल। उसमें तो कीपा ही चलता है जी ना, सर लीम वगैरह तो होलसेल के लिए नहीं है, जी सर मोस्टली कीपा ही चलता जी सर है। ठीक है। अच्छा अब ये सारी चीजें होंगी, फिर वही बात है कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो वेबसाइट मांगता है आपसे या नहीं मांगता। नहीं वो डिस्ट्रीब्यूटर से सिर्फ मसला है कि थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, डायरेक्ट ब्रांड से आपको सस्ता पड़ता है, लेकिन जाहिर बात है एमओक्यू का इशू भी आ जी जाता है। सर उसमें ये इशू है। जी तो सर क्या प्रेफर करते हैं कि स्टार्ट में ब्रांड की तरफ जाया जाए या फिर डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ जाया जाए। सर मेरे ख्याल से ब्रांड बेस्ट होते हैं। ठीक है हाँ जी सर क्योंकि उसके प्रोडक्ट में इशू वगैरह नहीं आते। वो आप कर लोगे ब्रांड जी इंशाल्लाह से। वो ब्रांड नॉर्मली जो जिन ब्रांड से आप काम कर रहे हो एमक्यू कितना रखते हैं। वो तो एक है जो है उसके MOQ 160 है, एक ही है 300 यूनिट्स है। जी सर तो जो प्रोडक्ट की प्राइसेस वो उसमें जो है एक में जो प्रॉफिट है मतलब ROI है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 100 है, एक में 150 है और इनकी कीमत कितनी है पर यूनिट जो पर यूनिट की, एक की जो है वो 11 है, की। ठीक 11 राउंड अबाउट 12 कर ले, है ठीक दूसरी क्या क्लियर याद नहीं है है। अच्छा किस वो भी इसी तरह। अच्छा होम एंड किचन में आ गया। चले कैटेगरी तो मसला नहीं है, हमने तो जी प्रॉफिट सर को देखना है। जी सर बिल्कुल तो अब उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन की बात करें जी तो सर आपको डॉक्यूमेंटेशन रिसेलर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जी सर वेबसाइट चाहिए होगी, जी सर वेब मेल, जी वेबसाइट सर वेब मेल तो खैर ऑटोमेटिक आ जाएगी, एलएलसी होगी, जी सर तो ये जो 4 चीज़ें हैं। उसके बाद मुझे आप ये बताएं कि फॉर लेट्स सपोज आपकी हमारी कोई डील हो जाती है तो काम को हम कैसे स्टार्ट करेंगे, सर मतलब अप्रूवल लेंगे सर आपका जो है अप्रूवल में ना कितना टाइम लगता है नॉर्मली, अप्रूवल वो तो 2-3 दिन हफ्ता 1 वीक में इंशाल्लाह चाहिए। मतलब आप पहले ईमेल करोगे जी सर उनका रिप्लाई आएगा। उनसे ऑलरेडी हम वो ले चुके हैं ना तो पता है कि 2-3 दिन में उसकी जो अच्छा हो जाती है, जी कॉल्स भी सर करनी पड़ती हैं। नहीं उनको कॉल नहीं करनी पड़ती। अच्छा अच्छा जिन ब्रांड से आप काम करें कॉल नहीं करना जी पड़ता।
आप जो है देखें, मसला ये कि होलसेल में एक प्रोडक्ट है आज है, हो सकता है 2 माह बाद वो ना हो जी सर। अब उसमें दो चीजें काउंट करती हैं, एक तो उसकी हमने सेल देखते हैं। सेल में अगर आप सामान उठा रहे हो, लेट्स सपोज 500 यूनिट उठा रहे हो, 250 आपके बिक जाते हैं, 250 रह गए, तो आपको सम टाइम लॉस भी बियर करना पड़ता है। इसलिए हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं कम सामान उठाऊं ताकि मेरा सेल हो सकता है 3 महीने बाद ये प्रोडक्ट मेरे इस रेट पे ना बिके, ये मुझे लॉस दे, ठीक हो गया। तो उस चीज में काफी ज्यादा लॉस अक्सर सम टाइम हो जाता है। तो उसमें ये डेली बेस पे आपको हंटिंग करनी पड़ती है। आज आपने एक है, हफ्ते बाद दूसरा, हफ्ते बाद तीसरा, जब तक आप अपने आपको अपग्रेड नहीं करोगे आप आगे चल नहीं सकते हो। तो वो चीजें भी आप साथ साथ जी सर करोगे। ये जो है ना, ये मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटर के प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं। ठीक है जी सर। ब्रांडेड प्रोडक्ट कभी इस तरह नहीं होते का मतलब वो अपना जो है ना एक लिमिट रखते हैं कि अगर किसी ने इससे प्राइस नीचे की तो आपका जो वार्निंग देंगे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम पे आपका जो इन्वेंटरी है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। जैसे ये लिमिट सेट करते हैं जी सर। ठीक है जी सर। और बात आर्बिट्राज की, प्रोडक्ट्स भी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कुछ? नहीं सर, उसमें जो है ना हमारे लिए मसले बन जाते हैं। फिर क्लाइंट कभी कभी अकाउंट जो है डीएक्टिवेट हो जाते हैं तो क्लाइंट कहते हैं कि ये इशू आया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना हम ये क्लियर करते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बोले, एक तो ऑफिस वर्क होता है, घर से अब ऑफिस वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? मतलब आप ऑफिस आओगे वीक में, नहीं आओगे या घर से करोगे? सर मैं तो जो है ना घर से माइंड में मुझे बताएं काम कितना स्पीड अप कर सकते हैं। मुझे पहले ये बात बताएं, जो हमारे बाहर से यूएसए की टीम है ना, वो पहला सवाल ये करते हैं कि भाई काम जिससे भी आप बात करते हो, काम कब स्टार्ट होगा और कितना स्पीड से स्टार्ट होगा? जी सर। मसला ये है कि फिर जैसे ही काम स्टार्ट होता है, हमारा आप एग्रीमेंट साइन होगा, उसके बाद वो फिर पुश करते हैं कि यार अब काम को ना आप स्पीड अप करो, आप स्लो करो। जी सर। उस दौरान अगर फर्ज करो आप बीच में स्लो हो जाते हो, फिर हमारे लिए बड़ा मसला बनता है, क्योंकि हमें वीकली रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। जी सर। उस वीकली रिपोर्ट का ना हमें थोड़ा सा इशू है। घर में बैठ के अक्सर जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उनका ये इशू आ जाता है कि वो स्पीड स्लो कर देते हैं। कभी कहते हैं हम बीमार हैं, कभी कहते हैं हम हॉस्पिटलाइज हैं। ठीक है, नुकसान तो हमारा तो नहीं है जी सर, जो हमारी है वो चीजें उनके साथ तय कर देते हैं, लेकिन ये टाइम जाया हो जाता है ना। जी सर बिल्कुल। इसी तरह सर, इस तरह है कि मतलब अगर आपका मैरिज जो ये सजेशन है कि अगर आपके पास अच्छी बजट है तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि किसी ब्रांड के साथ ना वो कर सकते हैं कि किसी ब्रांड के साथ हम वो कर सकते हैं कि एग्रीमेंट उनके साथ करें और उनसे ये कहे कि मतलब आपने ये जो प्रोडक्ट है किसी दूसरे के साथ शेयर। वो तो आपको तब देगा जब आपका फिजिकल स्टोर होगा। कोई ब्रांड में भी जब तक आपको स्टार्ट में ये चीज कभी नहीं करेगा, मतलब जब तक आपका फिजिकल स्टोर नहीं है उस वक्त तक ब्रांड आपके साथ कोई MOU साइन नहीं करेगा। जो बात आप कर रहे हैं ये लेटर स्टेप में आएगी। ठीक है, हमारे पास कमर्शियल एड्रेस भी है, ये नहीं है हमारे पास कमर्शियल एड्रेस है। मैं जो आपसे इन्वेंटरी जो हमारी आप परचेज करेंगे, हम लोग अपने कमर्शियल एड्रेस पे करेंगे, रेजिडेंशियल पे नहीं करेंगे। ठीक है, जो बात आप कर रहे हैं ये हो जाए, ये सबसे ज्यादा बेस्ट है, लेकिन ये तब होगी जब आपकी सेल्स बहुत स्ट्रांग हो, आपने ब्रांड के साथ काम किया, आपने उसके यूनिट सेल किए हाईली, बाद में आप बात कर सकते हो कि यार ये सिर्फ आपने मुझे देना है, फिर मैं फर्दर इसको आगे दूंगा। डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ना, ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है जी सर, लेकिन ये टाइम के साथ हो। इसी तरह हम लोगों ने PL भी करनी है, PL पे भी हमारा टाइम लगेगा। हमने अभी PL नहीं की, PL पे जो टाइम लग जाता है तो 3-4 मंथ, हाँ 6 मंथ भी लगते हैं, साल भी लगते हैं, लेकिन एक दफा PL होता है फिर आप होलसेल को भूल जाते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो अब देखें बाकी चीजें मुझे समझ आ गया, वो तो आप जब थोड़ा सा काम करोगे तो मुझे समझ आएंगी, बेसिक नॉलेज तो आपको है। अब मुझे ये बात बोले कि मैं आपको, अब देखें अब अकाउंट्स होते हैं, अब मैं हर किसी को अकाउंट नहीं दे सकता आपके, तो मैंने वर्क फ्रॉम होम करना है, मेरे पास आपका चले आईडी कार्ड में आपसे ले लूंगा, मसला नहीं है, तो किस चीज में मैं ट्रस्ट करके मैं आपको अपना अकाउंट दूं? सर वो अकाउंट तो आपके पास जो है उसकी मैं चाइल्ड एक्सेस दूंगा आपको। जी सर। दूंगा तो मैं चाइल्ड एक्सेस ही आपको दूंगा। जी सर। तो वो तो आपके पास होती है, मतलब हमें जो है ना वो ट्रस्टेड बंदा चाहिए ताकि वो हमें अकाउंट दे, उनकी हमारा अकाउंट जो है ना वो स्टार्ट करे, बिल्कुल न्यू स्टेज से स्टार्ट करे। जब वो एक हाई स्टेज पे पहुंच जाता है तो वो हमारी चाइल्ड एक्सेस रिमूव कर देते हैं, तो हमें जो है ना इसमें उसमें क्या फायदा हो रहा है? जी सर उसमें क्या फायदा हो रहा है?
उसको कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन वो अपना फिर वो उनको इतना आइडिया हो चुका होता है क्या है, मतलब वो अपने अकाउंट खुद आके मैनेज कर सकते हैं अच्छा उनके पास, क्योंकि ऑलरेडी जो हम लॉन्चिंग कर रहे हैं तो उसमें उनके वो ब्रांड उनके पास होते हैं, तो फिर वो खुद ही कर लेते हैं ऑर्डर। नहीं हमारा तो देखें ऑलरेडी वहाँ पे सेटिंग मामला आते काम जी हो सर रहा है, हमारी जी से सर वो नहीं है, वो तो जाहिर बात है एक अकाउंट पे आप चार बंदे भी रखो चल पड़े तो फिर वो भी काम है। ठीक हो गया। टाइमिंग क्या तो हो गया आप? टाइमिंग तो सर टाइम तो मैं बहुत देता हूँ वैसे अच्छा जी सर। अब ऑलरेडी कितने अकाउंट हैं? ऑलरेडी सर मैं तो वहाँ के जो है ना वो मेरे लिए एक ही काफी है अच्छा जो US के है जी सर। ठीक। अच्छा आप मुझे बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट की के वो तो इन्वेस्टमेंट का क्या आप कहते हैं, सर एक अकाउंट के जी लिए कितनी होनी चाहिए सपोज अगर स्टार्टअप अकाउंट है तो? वो तो जो है ना मैनेज करेंगे ब्रांड के साथ जो है ना उसके इन्वेंट्री का MOQ कितना है उस हिसाब से इंशाल्लाह ठीक है। जी सर। चलो अभी आपके पास जिस प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हो एमओक्यू कितना है उनका? MOQ $300 300 units उनके जी सर तो यही होता है, किसी का 300 होता है, किसी का 150 होता है, जी किसी का सर 200 होता है। जी सर। ये तो आप ना डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं ना, नहीं नहीं ब्रांड सर ब्रांड से ले रहे हैं? ठीक है। कंप्लेन तो कोई नहीं है उसमें? नहीं ब्रांड पे तो कंप्लेन नहीं होते अच्छा जी सर। ठीक है। कंप्लेन चेक करनी पड़ती है ना। कल मैं कुछ प्रोडक्ट देख रहा, मेरे कोर भी जो मुझे दे रहे हैं वो हाई रिस्क अच्छा प्रोडक्ट दे रहे थे। मैं कहा यार अच्छा ये आप क्या कह रहे हो? नहीं नहीं इस तरह नहीं करनी चाहिए, IP कंप्लेन चेक करना चाहिए हाँ आईपी कंप्लेन तो मास्टर आती है ना, जी इसमें सर इशू ही आईपी कंप्लेन का आता है। जी सर। ठीक।